हेलो एवरीवन, हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज का ये लेक्चर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक आइडिया देने के लिए है कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है। थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या है, कैसे इसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम आती है। आज थोड़ी सी हम समझते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, कि माइक्रोस्कोपी क्या है, इसमें क्या कंसेप्ट काम आते हैं, बहुत शॉर्ट में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको कई लोगों तक पहुंचाइएगा। और आपको और ऐसे वीडियोस अगर देखने हो तो हमको कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि हम ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बनाने के लिए एंकरेज होते रहें, जिससे आपको शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट्स में नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी कब शुरू हुई? जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। उन्होंने तो डेड सेल को देखा था, फिर ल्यूवेनहॉक आए, और ये माइक्रोस्कोपी का जो एडवांसमेंट है, इसकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इन्हीं डेवलपमेंट से हम आज अपनी पूरी बायोलॉजी जो है, सेल के अंदर क्या है, सेल में कैसे काम होता है, ये सब कुछ हम समझ पाए हैं। यस, सो माइक्रोस्कोपी आप कह सकते हैं, जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती गई। तो माइक्रोस्कोपी का इतिहास भी बहुत पुराना है। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा था एक सिंपल माइक्रोस्कोप से। ल्यूवेनहॉक ने भी माइक्रोस्कोप बनाया था, कई लोगों ने माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की थी मैग्नीफाइंग लेंसेज को कंबाइन करके, बट हम आज की बात करते हैं। तो आज इस माइक्रोस्कोपी की क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, उसका क्या कंसेप्ट है? तो माइक्रोस्कोपी का जितना भी कंसेप्ट है वो क्या है, चीज़ों को बड़ा करता है, लेकिन बड़ा करने के साथ साथ उनको डिफरेंस भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए वो चीज़। तो वो होती है एबिलिटी, जिसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? वो एबिलिटी है जो दो पॉइंट्स को एक दूसरे से अलग अलग करती है, और वो जो डिस्टेंस है उसको हम रेजोल्यूशन लिमिट या डी कहते हैं। और हमेशा याद रखें, रेजोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोल्यूशन लिमिट। रेजोल्यूशन लिमिट जितनी कम होगी उतना रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये जो रेजोल्यूशन लिमिट है, ठीक है, ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे: लाइट की वेवलेंथ, एंगुलर अपर्चर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट की वेवलेंथ क्या आ रही है, वो हमारे सोर्स से क्या लाइट है उस पर डिपेंड करेगा। हम यूवी लाइट यूज़ कर रहे हैं, हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं, या हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ कर रहे हैं। वो जो हम एनर्जी दे रहे हैं, लाइट मतलब एनर्जी जो दे रहे हैं, वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना रेजोल्यूशन लिमिट ज़्यादा होगा, और हमें वो नहीं चाहिए, हमें रेजोल्यूशन लिमिट कम चाहिए। इट शुड बी लेस, तभी रेजोल्यूशन अच्छा होगा, यानी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना रेजोल्यूशन अच्छा होगा। फिर ये एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्पेसिमेन के चारों तरफ, वो एयर है, वैक्यूम है, या ऑयल है, क्या है, जितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी डी की वैल्यू कम होगी। डी कम होगा तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। और फिर आता है ये एंगुलर अपर्चर। तो ये एंगुलर अपर्चर क्या होता है? एंगुलर अपर्चर का मतलब होता है कि ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये स्टेज है, ये स्टेज है जहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं। ओके, तो अब अपने सैंपल से ऑब्जेक्टिव तक कितनी लाइट जा रही है, जिस एंगल पे जा रही है, उसका जो ये हाफ एंगल होता है वो अल्फा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस हाफ एंगल की जो साइन की वैल्यू है उसको एंगुलर अपर्चर कहते हैं। और क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, कम से कम वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी मोर एंड मोर, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी डी की वैल्यू कम होगी। ज़्यादा यानी
ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन की वैल्यूज़ अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यूज़ बात करें तो ये रेंज करती है -1 से 0 से लेके +1 तक। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1, और वो कब होता है, साइन 90। साइन 90 मतलब वो बिल्कुल उस पर टच हो, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वी ट्राई टू अप्रोच साइन 70 जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास आती है, उतना हम अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही मैक्सिमम हम ला सकते हैं। तो ये सब करने से हम बेटर 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 रेजोल्यूशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। और फिर मैग्निफिकेशन जो टर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पे, कितना हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, कितने हम लेंसेज लगाते हैं, वो हमारी इच्छा है। अब देखो आप लोग कौन सी अपन ने लाइट सोर्स यूज़ करी है उस हिसाब से अलग 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 तरह के माइक्रोस्कोप्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं तो हम लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोपी 3 प्रकार की हो सकती है। लाइट हो सकती है, उसमें डार्क फील्ड आता है, उसमें फेस कॉन्ट्रास्ट आता है, इन सब में हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं। यूवी लाइट यूज़ करेंगे तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी आएगी, और इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आएगी। तो लाइट का सोर्स क्या है उस पर डिपेंड करता है कि माइक्रोस्कोपी का टाइप क्या होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़े से टाइप्स ऑफ, ये हमने एक कंसेप्ट पढ़ा रेजोल्यूशन लिमिट का, रेजोल्यूशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, ये सारा देखा। मैग्निफिकेशन के बारे में एक बात आपको और बताएं, तो जो ये मैग्निफिकेशन है ये डिपेंड करता है लेंसेज कितने हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस है 40x का, और अपना जो आईपीस है जिसको अपन ऊपर से देखते हैं वो है 20x का, तो इन दोनों का जो मैग्निफिकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 to 8, 800 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो मैग्नीफाई हो सकता है, 800 गुना वो चीज़ बड़ी हमको दिखाई देगी। लेकिन कई बार ये सफिशिएंट नहीं होती, इसीलिए हम दूसरे मेथड्स की तरफ जाते हैं। ध्यान रखें मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो चीज़ें ब्लर्ड हो जाएगी। हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में करते हैं, फ़ोटो अच्छा देखना है, देखते हैं कौन है क्या है, बड़ा करते रहते हैं और फिर वो बोलते हैं इमेज फट गई, पिक्सल्स फट गए। सो इसका क्या मतलब है, कितना भी मैग्नीफाई कर लो लेकिन अगर रेजोल्यूशन नहीं हुआ, वो एक से दूसरे पार्ट से अलग नहीं कर पाए, तो उस मैग्नीफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, और उसको बोलते हैं एम्प्टी मैग्नीफिकेशन, वो भी हमको नहीं चाहिए, ओके। चलिए तो थोड़ी सी बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी की। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या है, जो हम हमेशा काम में लेते आए हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप है। तो वहाँ पर एक सोर्स होगा जो एनर्जी देगा, लाइट का सोर्स होगा। उसके बाद तो यहाँ से लाइट आएगी, फिर ये हमारे कंडेंसर लेंसेज होंगे, इनका काम है लाइट को फोकस करना, किस पे, स्पेसिमेन पे। फिर स्पेसिमेन से निकलकर लाइट जो जाएगी वो जाएगी हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के तरफ, ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर निकलते हुए प्रिज्म से, बिकॉज हम ऐसे थोड़ी देखते हैं, वो एक ट्यूब ऐसे घूम के आती है ना माइक्रोस्कोप की हमारी आँख तक, तो वो एंगल कैसे चेंज होगा, उस एंगल को चेंज करने के लिए एक प्रिज्म होता है बीच में, फिर ये लाइट चलती रहती है, और ये अपना ऑक्यूलर लेंस है जिसको हम कॉमन भाषा में आईपीस कहते हैं। यहाँ पे हम अपनी आंखें टिकाकर देखते हैं, जब देखते हैं स्लाइड अच्छी बनी है, स्मेयर पतला है या सेक्शन थिन है, स्टेनिंग अच्छी से हुई है, तो हमको बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी स्पेशली जो अपनी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, जहाँ पे फील्ड बहुत ब्राइट है, वहाँ पर स्टेनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से स्टेन होगा तो अच्छा स्पेसिमेन दिखाई देगा, ओके। चलिए तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये कौन सी स्टेज दिखाई दे रही है आपको, ये किस तरह की स्लाइड होगी, यस ये क्या है, ये सेल साइकिल को दिखाते हुए या सेल साइकिल की स्टेजेस को दिखाते हुए स्लाइड दिख रही है। आप कितनी क्लियर स्लाइड है देखो, आप सारी स्टेजेस, ये प्रोफेज,
ये देखो मेटाफेज, एनाफेज, सारी स्टेजेस को एकदम क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके चलिए, और ये माइटोसिस है बिकॉज एक से दो ही सेल बन रहे हैं, चार सेल तो बन नहीं रहे। ये देखो एक से दो सेल बन रहे हैं, यहाँ पर ये फरो आ रहा है सेल प्लेट, एक से दो ही सेल बन रहे हैं, ये माइटोसिस है, सेल साइकिल की स्टेजेस। मियोसिस होता तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको चार सेल दिखाई देते। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये कि जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी या इकोलॉजी एवोल्यूशन, गेट लाइफ साइंस यानी कि एक्सेल, बायोटेक यानी कि बीटी, आप इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं, एवोल्यूशन इकोलॉजी यानी कि ईवाई, इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लाइव लेक्चर्स हैं और बैच स्टार्ट हो रहा है नया फ्रेश बैच 8 मई से। और ये हमारे गेट के टॉपर्स हैं और आपको भी यहाँ पे शामिल होना है। इफ़ यू वांट टू बी हियर, बी अ पार्ट ऑफ IFAS। थोड़ी सी हम और आगे बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की, तो ये एक ऑर्गेनिज्म कैसा, जो लाइट माइक्रोस्कोपी है, लाइट माइक्रोस्कोपी के जो मैंने कहा था तीन टाइप्स होते हैं, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट। तो ब्राइट फील्ड, देखो फील्ड कितनी ब्राइट है और वो स्पेसिमेन स्टिंग से चमक के आ रहा है। डार्क फील्ड में फील्ड एकदम डार्क है और हमें उसका शेप दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ रहा है, हम एक्चुअली उसकी बाउंड्री को देख सकते हैं कि उसका शेप कैसा है। ब्राइट फील्ड में हम अंदर के कंपोनेंट्स देख रहे हैं लेकिन बाउंड्री एकदम क्लियर दिखाई नहीं देती है। और फेस कॉन्ट्रास्ट में देखो कितना कॉन्ट्रास्ट आ गया, इसके बाहर जो छोटे छोटे सीलियाँ हैं वो भी हम इतने अच्छे से देख पा रहे हैं, और ये तो इमेज में कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड एंड फेस कॉन्ट्रास्ट। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें स्टेन करना पड़ता है, स्पेशली ब्राइट फील्ड तो बिना स्टेनिंग के पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके नाम क्यों पड़े हैं ये, ब्राइट फील्ड मतलब फील्ड ब्राइट है, डार्क फील्ड, फील्ड डार्क है, सिर्फ स्पेसिमेन के ऊपर लाइट आती है, फेस कॉन्ट्रास्ट में फेजेज अलग अलग हैं और वो अलग अलग फेजेज में कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके डेंस लाइट, लेस डेंस, मोर डेंस, इन पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर पाती है। ये थोड़ी सी बात हुई लाइट माइक्रोस्कोपी की। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी की। अच्छा, और अगर फेस कॉन्ट्रास्ट की एक बात और देखें तो यहाँ पर हम आपको, यहाँ पे तो ये एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड इमेज है, एक्चुअली यहाँ पर लाइव अनस्टेन्ड सेल्स को देखते हैं, इसीलिए आपको ये इमेज में ये सीलिया थोड़े से ब्लर्ड दिख रहे होंगे बिकॉज ये लिविंग सेल है, सीलिया मूव कर रहे हैं इसके, बिकॉज हम यहाँ पर लाइव अनस्टेन्ड सेल्स देखते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, ये लाइव सेल्स, डेड सेल्स सबके लिए यूज हो सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, हम जैसे यहाँ पर अगर आप फर्स्ट इमेज को देखें तो स्पिंडल फाइबर्स या जो अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट जो हैं उनको हमने ग्रीन कलर के एक स्टेन से स्टेन किया है, क्रोमोसोम्स को रेड स्टेन से किया है, तो हम एक्चुअली इन ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स और अपने जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, उसको देख सकते हैं, सेल डिवीजन होते हुए दिख रहा है, सेंटर पे फोकस्ड है उस सेल को भी देखिए और जो पड़ोसी उसके ऊपर जो सेल है उसमें आप प्रोफेज से लेकर पूरी स्टेजेस देख सकते हैं और आगे की स्टेजेस सेंटर वाले सेल में दिख रही है। ये है सिंपल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। और इसी को अगर हम 3D इमेज में देखें तो ये हो जाता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप देखो जो सेकेंड इमेज है उसमें कभी आपको ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है, कभी रेड ज़्यादा दिख रहा है, कभी सब ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं बिकॉज इनको हम अलग अलग फोकस पे सेट कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो जिस चीज़ को अपन ढूंढ रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कहाँ है, जब वो देखना हो तो हम यूज़ करते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आगे अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था यूवी लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये है नेक्स्ट टाइप और बहुत एडवांस टाइप जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगेन प्लीज फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग, ये इमेजेस तो सिर्फ हमको समझाने के लिए कलर्ड है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आती हैं, यू नेवर गेट कलर्ड इमेजेस. ये तो हम उसको समझाने के लिए जो ये बैठे हैं आर्टिस्ट्स वो इसको कलर कर देते हैं. तो ये आप ऊपर का अगर पार्ट, दोनों सेम ही सेल के पार्ट्स हैं, WBCs की ही बात कर रहे हैं हम, ऊपर का सेल देखें तो ये सरफेस फिनोमेना बताता है. ठीक है, एंड दिस ये क्या बताता है, सरफेस ऊपर से कैसा दिख रहा है, बाहर उसके क्या है. और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में हम सेम कहते हैं, ये सरफेस की डिटेल्स बताता है. और जो ये नीचे वाला है ये बताता है इंटरनल, दिख रहा है ना आपको अंदर, इंटरनल डिटेल्स, कैसे न्यूक्लियस अलग अलग फॉर्म में है, इसका शेप क्या है, कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सब हमको दिखाई दे रहा है. ये इंटरनल डिटेल्स देखने के लिए हमें चाहिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हमें चाहिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट में TEM कहते हैं. फ़र्क ही देखो, स्कैनिंग है वो ऊपर से स्कैन करता है, सिर्फ देखता है ऊपर क्या है. TEM है, इंटरनल डिटेल्स है, अंदर कैसा है क्या है हमको अंदर, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर पार जाते हैं. सेम में इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आकर टकरा कर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये फ़र्क है सेम और TEM. सेम सेल की इमेज है. नहीं समझ में आया है अगर तो ये इमेजेस देखिए. अगेन कलर नहीं होता है, समझाने के लिए है. सेम सेल का सेम है और TEM है, इधर सेम है इधर TEM है. देखिए वही सेल कैसे बाहर से क्या दिख रहा है और अंदर से क्या दिखता है. अब RBC है तो उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज वहाँ कोई न्यूक्लियस है नहीं, वहाँ कोई डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, तो वो एक ही जैसा दिखाई देता है. बट बाकी सेल्स को आप देखें तो इनके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, किस तरह से आपको, जैसे ये बेसोफिल है तो कितने बड़े बड़े ग्रैनुल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब पार्ट्स आप आराम से देख सकते हैं. तो ये TEM की इमेज है. ठीक है, और ये वाली इमेज अगर आप देखें तो आपको अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं. तो ये TEM मतलब इंटरनल डिटेल्स के बारे में बताता है. तो हमारी जितनी भी ER है, गोल्जी है, इन सब की जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है, जो किसकी वजह से आप आई है, TEM की वजह से. सरफेस कैसा है, बाहर कैसा दिखता है, ये सब क्यों आप आया, सेम की वजह से. ये हमारे बैक्टीरिया हैं, सरफेस पे ये रॉड दिखाई देते हैं. और अगर हम TEM देखें तो हम इनके इंटरनल डिटेल्स देख सकते हैं. तो ये जब इस सेल को कैप्चर किया गया, फिक्स किया गया जब, और रिमेंबर TEM और सेम में सिर्फ डेड सेल्स आते हैं, लिविंग सेल्स को हम नहीं देख सकते. तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया, और ये अपना राउंड है जो सर्कुलर बैक्टीरिया है वो हो गया, तो बेसिलस एंड कोकस. बट अंदर की डिटेल्स अगर हम देखें तो इन्होंने अलग कलर से किया है, थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज और बाहर पिंक पीच मजेंडा, ये कलर्स यूज़ किए हैं दिखाने के लिए कि अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जो सेम की फ़ोटो है वो सारी बेसिलाई की है, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, कैसे एक दूसरे के पास में रहते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर है. तो TEM बताता है इंटरनल डिटेल्स, सेम बताता है सरफेस के बारे में. ये था एक बहुत शॉर्ट कंसेप्ट सारे के सारे माइक्रोस्कोप्स के बारे में. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स सीनियर्स, उनके साथ शेयर करिए. और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो IFAS के साथ ज़रूर जुड़िए, और टॉपर्स की लिस्ट में शामिल ज़रूर होइए. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. वीडियो के बारे में कोई जो कमेंट्स हो वो आप ज़रूर लिखिएगा, और अगले सेशन में आप इस तरह की किस टेक्निक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपको टेक्निक फिर से दोबारा पढ़ने की इच्छा हो रही है.
इसी तरह से शॉर्ट में 15-20 मिनट में हम एक कोई दूसरी टेक्निक भी ले सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग.